प्राइवेट मेंबर्स का भी जिन्होंने इंतहाई दो अहम बिल पास किए, हो सकता है इसकी अहमियत और अफादियत पूरी तरह अब से पहले उजागर ना हो सकी हो। और मैं चित्राली साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी हमारा इसमें साथ दिया। सर, ये जो दो कवानीन आज हमने पास किए हैं, असल में ये दो काले कवानीन हमने मंसूख किए हैं। एक वो था जो पीडीएमसी को, पीएमडीसी को पीएमसी बनाया गया, उसमें ये जुल्म था कि पाकिस्तानी बच्चा अगर मेडिकल टेस्ट देकर कॉलेज में दाखिला लेगा तो उसके बाद वो कॉलेज में इम्तिहान देता रहेगा और फिर फाइनल एमबीबीएस का इम्तिहान देने के बाद उस पर एक एनएलई का टेस्ट लागू कर दिया गया था, जिसके उसको पैसे भी देने थे और जिसकी परसेंटेज अमेरिकन टेस्ट से भी ज्यादा थी। और वो इदारा कुछ ऐसे लोगों के हवाले किया गया था, मनपसंद लोगों के हवाले, जिन्होंने उससे बेपना फायदे हासिल किए। और ये वो काला कानून था जिसकी वजह से हजारों पाकिस्तानी बच्चे मेडिकल की तालीम से बेचारे रह गए। 55% एक सूबे सिंध की सीटें खाली रह गई, 18,000 से ऊपर बच्चों ने बैरून मुल्क जाकर दाखिले लिए और 9 अरब डॉलर से ज्यादा जो है वो सरमाया आपका दूसरे मुल्कों में चला गया। और ये कहते हैं कि जी हमने बड़े अच्छे काम किए। तो आज एक तो ये कानून आपने पास किया है जिससे खुदा के वास्ते हमें अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान की कौम किस क्या चाहती है और पाकिस्तान के बच्चे क्या चाहते हैं।